गाइस वेलकम बैक यू ऑन चैनल टेक्निकल एनालिसिस। हमारे सब्सक्राइबर हमें पूछते रहते हैं कि सर हम तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, तो हमें तो फंडामेंटल एनालिसिस की ज़रूरत है, टेक्निकल एनालिसिस की क्या ज़रूरत है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि फंडामेंटल एनालिसिस आपको वो बताता है कि कौन से स्टॉक को बाई करना है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस आपको वो बताता है कि कौन से शेयर को कौन सी प्राइस पे लेना है। गया है गाइस, प्राइस इंपॉर्टेंट है। आपने अच्छे स्टॉक को महंगी प्राइस पे ले लिया तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो आपको इसके लिए करना पड़ेगा टेक्निकल एनालिसिस। और टेक्निकल एनालिसिस का हार्ट है डोजी कैंडल। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि डोजी क्या होता है और कितने प्रकार की डोजी होती है, और डोजी के थ्रू आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हो। अगर आप तो चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि डोजी क्या होता है। तो डोजी होता है ओपन इक्वल टू क्लोज, यानी कि इसमें कोई बॉडी नहीं होता। रियल लाइफ में आपको इस तरह की डोजी दिखेगी, ठीक है, इसको डोजी बोलते हैं। अगर आपको इस तरह की दिख जाए कैंडल को है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये डोजी नहीं है गाइस, ये भी डोजी है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट डोजी होता है ये वो डोजी होता है। हम इसका भी मतलब समझेंगे और इसका भी मतलब समझेंगे। डोजी का मतलब होता है यहाँ पे स्टॉक ओपन हुआ और इसके बाद सेलर्स हावी हो गए और स्टॉक को लेके गए नीचे, और इसके बाद बायर्स हावी हो गए और ऊपर लेके आए और यहाँ पे क्लोज हुआ, तो इसको बोलते हैं डोजी कैंडल। हम समझ लेते हैं कि डोजी का मतलब क्या होता है। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, डोजी का मतलब होता है ट्रेंड रिवर्सल, यानी कि मान लीजिए आप ऐसे ऐसे ट्रेंड चल रहा है, सॉरी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसे 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 ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पे आपको कुछ डोजी दिख गए इस प्रकार की, तो आप मान लीजिए कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, तो आपको यहाँ पे कौशल्स हो जाने की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होगा ही, लेकिन यहाँ से ये डोजी आपको बता रही है कि यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, तो आप अलर्ट हो जाइए। तो ये डोजी का मतलब होता है। हम समझ लेते हैं कि कितने प्रकार की डोजी होती है। तो पहला डोजी का प्रकार होता है वो ड्रैगन फ्लाई डोजी। आप इसको देख रहे हो ना, जो गर्मियों के सीजन में आपको ज़्यादा दिखते हैं, तो इनको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई। तो कुछ आपको इस तरह की अगर डोजी दिख जाए, यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, तो इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी का मतलब होता है बुलिश डोजी, उनको बुलिश बोलते हैं। ये आपको दिख रहा है डोजी, इस तरह की अगर आपको डोजी दिख जाए तो इनको बोलते हैं बुलिश डोजी, यानी कि कोई स्टॉक है इसी प्रकार के चल रहा है, ऐसे ऐसे गिर रहा है और आपको नीचे इस तरह की डोजी दिख जाएगी। इस तरह की मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस तरह की यानी कि ओपन यहाँ पर हुआ और सेलर ने प्रेशर किया और शेयर को ले गए, प्राइस को ले गए यहाँ पर, और यहाँ से बायर एक्टिव हो गए और प्राइस को खींच के लाए ऊपर और यहाँ पे क्लोजिंग हुआ। यानी कि ये जो नीचे का प्राइस है वो बायर्स को एक्सेप्टेबल नहीं है, इसके वजह से वो नीचे से प्राइस को ऊपर की ओर लेके आते हैं। इनको बोलते हैं बुलिश डोजी, जो कि नीचे की प्राइस लोअर प्राइस को रिजेक्ट कर रहा है, जो लोअर प्राइस को रिजेक्ट कर रहा है उनको बुलिश डोजी बोलते हैं या ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं। ड्रैगन फ्लाई आप भूल जाइए, बुलिश डोजी बोलिए। अगर आपको डाउन ट्रेंड के बाद इस तरह की ड्रैगन फ्लाई डोजी दिखे, तो इसका मतलब होता है कि वो बुलिश डोजी है और वहाँ पर शेयर की प्राइस रिवर्स हो सकती हो, तो आपको वहाँ पे बाइंग के मौके ढूंढने हैं। यानी कि शेयर मान लीजिए कि ऐसे गिर रहा है और एक यहाँ पे आपको इस तरह की डोजी दिखे, तो इसका मतलब कि यहाँ से शेयर ऊपर की ओर जा सकता है। तो अगर आपको डाउन ट्रेंड के बाद इस तरह की डोजी दिखे, तो इसका मतलब यही समझने का है कि ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो सकता है और वहाँ पर आपको बाइंग के मौके ढूंढने हैं। अगर आपको वहाँ पे सेल करने जाओगे
तो हो सकता है आपका लॉस भी हो जाए। गैस मैं यहाँ पे आ गया हूँ आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट के ऊपर। आप देख सकते हो आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट मैंने 15 मिनट का लगा के रखा है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आप वन डे का भी कैंडल लगा सकते हो। तो गैस मैं आपको बता दूँ, इस तरह की यहाँ पे देख सकते हो आप डोजी दिखाई पड़ी, इसको बोलते हैं डोजी कैंडल। ये कौन सी डोजी है? ड्रैगन फ्लाई डोजी है। इसका मतलब होता है कि शेयर यहाँ से बुलिश है। तो आप देख सकते हो इस तरह की डोजी दिखाई पड़ी, नीचे से प्राइस को रिजेक्ट किया गया ऊपर से, और यहाँ से इसके बाद शेयर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो ये होता है डोजी का पावरफुल टूल्स। सेकंड टाइप्स होता है डोजी कैंडल का, वो होता है ग्रेवस्टोन डोजी, यानी कि ये जो पत्थर आपको दिख रहा है वो इस तरह की कैंडल अगर दिख जाए, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह की कैंडल, ये आपको रियल लाइफ में इस तरह की भी डोजी दिखेगी, तो इसको बोलते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। यानी कि यहाँ पे शेयर ओपन हुए, बायर्स यहाँ पे लेके गए और प्राइस को नीचे लेके आए और यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, तो ऊपर की जो अपर प्राइस है वो सेलर को मंजूर नहीं है गाइस, तो इसके वजह से वो प्राइस को नीचे की तरफ लेके आते हैं, तो इनको बोलते हैं बियरिश डोजी। आपको रियल लाइफ में देखोगे तो कुछ इस तरह की डोजी दिखेगी, इसको बोलते हैं बियरिश डोजी। इस तरह की मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, उनको बोलते हैं बियरिश डोजी। ओपन इज इक्वल टू क्लोज रिजेक्ट्स ऑफ रिजेक्शन ऑफ हायर प्राइस, जो हायर प्राइस है उनको रिजेक्ट कर रहा है उनको बोलते हैं बियरिश डोजी। कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, अंग्रेजी ग्रेवस्टोन ये सब आपको सिर्फ इनका कॉन्सेप्ट समझने का है कि इनको बोलते हैं बियरिश डोजी। अगर रियल लाइफ में आपको इस तरह की डोजी दिख जाए तो यहाँ पे आपको सेल करने के मौके ढूंढने के हैं, बाइंग के मौके नहीं ढूंढने के। अगर वहाँ पे आप बाय करोगे तो हो सकता है आपका लॉस भी हो जाएगा। अब हम समझ लेते हैं कि इसमें ट्रेड कैसे करें। तो गाइस आपको किसी शेयर इस प्रकार से जा रहा है और आपको यहाँ पे इस तरह की डोजी दिख जाएगा, तो यहाँ पे समझ लेने के कि ये यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, रिवर्स होगा ऐसा कंफर्म नहीं है गाइस। स्टॉक मार्केट में कुछ कंफर्म नहीं होता, सिर्फ इनको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ से स्टॉक नीचे भी आ सकता है, तो यहाँ पे आपको सेल करने का मौके ढूंढने के ही, यहाँ पे आपको बाय नहीं करने का। गाइस यहाँ पर मैं आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट के ऊपर ही हूँ और यहाँ पर हम ढूंढ रहे हैं कि ग्रेवस्टोन डोजी यानी कि बियरिश डोजी। तो बियरिश डोजी हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, एक नहीं लेकिन दो बियरिश डोजी हमें दिखाई पड़ रही है। तो बियरिश डोजी का मतलब होता है कि वहाँ से शेयर की प्राइस गिर सकती है और ऐसी डोजी दिखने के बाद वहाँ पे से शेयर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आप देख सकते हो पूरे दिन स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट चलती रही, तो ये होता है डोजी। मैं आपको यहाँ पे एक प्रो टिप्स बता देता हूँ जो कि मैंने आज तक मेरे एक्सपीरियंस से सीखा है, आपको कोई किताब में या कोई बुक में आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको बता देता हूँ कि हमेशा डोजी का मतलब नहीं होता कि ट्रेंड रिवर्सली होगा। मान लीजिए कि कोई शेयर है, इसका ऐसे 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 ट्रेंड चल रहा है, ऐसे 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 ऐसे, और आपको यहाँ पे ऐसी डोजी मिल गई, तो क्या स्टॉक यहाँ से ऊपर भाग जाएगा? नहीं भागेगा। और स्टॉक यहाँ से गिरेगा? नहीं भागेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रेंड ही नहीं है। अगर मार्केट ऐसे साइडवेज होगा, शेयर साइडवेज होगा, तो कोई ट्रेंड ही नहीं होगा, तो ट्रेंड रिवर्सल कैसे होगा? तो जब भी स्टॉक साइडवेज हो जाए यानी कि एक रेंज में ट्रेड करे और आपको डोजी मिल जाए, तो यहाँ पे डोजी का कोई मतलब नहीं बनता। और गाइस थ्री टाइप्स होते हैं, वो होता है लॉन्ग लेग डोजी। आपको रियल लाइफ में इस तरह की भी कुछ डोजी दिखेगी, तो इसका मतलब होता है ओपन इज इक्वल टू क्लोज, यानी कि इस तरह की डोजी आपको दिख जाए तो इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब जितने बायर्स खड़े हैं उतने ही वहाँ पे सेलर्स खड़े हैं, मतलब इनडिसीजन है, स्टॉक कहाँ पे जाएगा, ऊपर की तरफ प्राइस जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा, कुछ कंफर्म नहीं है। तो
इस तरह की डोजी दिखे तो वहाँ पे आपको कोई ट्रेड नहीं लेने का। अगर वहाँ पे आप ट्रेड लोगे तो हो सकता है आपका लॉस भी हो जाएगा, क्योंकि यह वहाँ पे कुछ कंफर्म नहीं है कि स्टॉक कहाँ पे जाएगा। गाइस मैं आपको बता दूँ, इस तरह की लॉन्ग लेगोन डोजी आपको कहीं पे दिख जाती है तो इसका मतलब होता है वो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताती है, कोई बाय सेल का सिग्नल नहीं देती। तो इस तरह की आपको डोजी दिखे तो आपको जनरली कोई ट्रेड नहीं लेने का। अगर गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाय बाय फैनो।